Hello, my dear students. Welcome again to yet another episode and video of Vedantu's Shortcut Tricks. तो मेरे प्यारे बच्चों, I sincerely hope जो मेरा पहला वीडियो है आप सब लोगों को पसंद आया होगा. ये एक नए वेदांतु के सीरीज की शुरुआत है. तो प्लीज मोटिवेट अस टू डू मोर ऑफ दिस वीडियोस. अगर आपको सीरियसली पसंद आया हो तो शेयर दैट लव, एक्सप्रेस दैट लव बाय लाइकिंग द वीडियोस एंड कमेंटिंग ऑन इट. ठीक है, तो पहला वीडियो जो मैंने रिलीज किया था सबसे बेसिक था और मकसद इसका यही है कि हम ऐसे और सारे ट्रिक्स और सारे टिप्स आपको बताएं. फिजिक्स से मैं स्टार्ट कर रहा हूं बट वेरी सून अदर टीचर्स एंड अदर सब्जेक्ट्स विल ऑल्सो फॉलो. सो वेलकम अगेन टू वेदांतु, जहां पर बेस्ट टीचर्स, ऑसम कंटेंट एंड अमेजिंग टेक्नोलॉजी यूज करके हम क्वालिटी स्टफ आप तक लाने की कोशिश करते हैं. ऑलराइट, सो अगेन क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ, द गाइज हु डोंट नो मी, माई नेम इज वंशी कृष्णा एंड आई डिड माई बीटेक फ्रॉम आई आई टी बॉम्बे. एंड जब जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, काफ़ी सालों पहले मैं भी आपकी जगह ही था, इन सब चीज़ों से डील कर रहा था और जो चीज़ें मैंने सीखी पढ़ते समय और उसके बाद एज अ टीचर मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है, तो उन सब चीज़ों की जो सीख है वो इन वीडियोस में आपको हम देने की कोशिश करते हैं. ऑलराइट, अमेजिंग. सो ऑन दैट नोट, आज का जो वीडियो है वो एक अमेजिंग टेक्निक मैं आपको सिखाने वाला हूँ. राइट, सो लेट्स स्टार्ट बाय शेयरिंग अ क्वेश्चन और फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे एक शॉर्टर टेक्निक और शॉर्टर मेथड से करा जा सकता है. सो हियर इट इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. मोस्टली ये क्वेश्चंस मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम से ही लेता हूं, तो ये क्वेश्चन भी ऑफकोर्स एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है. सो आई विल रीड दिस क्वेश्चन आउट फर्स्ट. अ रोप ऑफ लेंथ एल एंड मास एम इज हैंगिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट. The tension in the rope at a distance x from the rigid support is what? चार options. ठीक है, जैसे कि मेरे सारे students को पता है जो pattern हम follow करेंगे इन videos में वो है standard method. क्या होने वाला है briefly मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद हम discuss करेंगे कि उसको और better non-standard और of course non-standard मतलब और better होना चाहिए, और बेटर तरीके से कैसे चुटकियों में सॉल्व किया जा सकता है. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट. तो गाइस ये क्वेश्चन को नॉर्मली डायग्राम बना लेते हैं पहले. तो एक रिजिड सपोर्ट दिया हुआ है और लिखा हुआ है कि रिजिड सपोर्ट में एक लेंथ एल का थोड़ा सा थिक बना देता हूं क्योंकि इसका मास है. तो लेंथ एल और मास कैपिटल एम का एक थ्रेड और टेंशन इन द रोप एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट इज व्हाट. सो यहां से एक्स डिस्टेंस नीचे, लेट्स से दिस पॉइंट, लेट्स यूज सम अदर कलर. तो लेट्स से इस जगह पे टेंशन कितना है ये पूछा है, उस पॉइंट एक्स डिस्टेंस नीचे टेंशन कितना है. तो पहली चीज तो आप सोच रहे हो कि सर टेंशन चेंज क्यों होने वाला है. अरे देखो ये तो कॉन्सेप्ट है. राइट, अगर हमारा ये थ्रेड है, अगर आप ये देखो ये पेन थ्रेड है और इसका मास है जो कि है, तो जैसे जैसे मैं नीचे आऊंगा राइट टेंशन चेंज होगा क्योंकि इस पॉइंट पे ये सारी की सारी जो यू नो मास है ये पुल कर रहा है. बट अगर मैं इस जगह आऊं तो सिर्फ इतना सा पोर्शन जो है वो इसको नीचे पुल कर रहा है. राइट, तो ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन कि हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होने वाला है. समझ में आया क्यों? क्योंकि अगर इस पॉइंट में मैं देखूं तो इस पॉइंट को ये नीचे वाला जो मास है वो उसको पुल कर रहा है. बट अगर मैं इधर जाऊं ऊपर तो इधर ये जो इसके नीचे वाला जो पोर्शन है ये पूरा उसको पुल कर रहा है. तो ऑब्वियसली यहां पे टेंशन ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा चीज उसको पुल कर रही, ज्यादा मास उसको पुल कर रहा है और यहां पर जाऊंगा तो कम होगा. तो दैट इज वाई, अगर मास एम है तो राइट, तो दैट इज वाई पूछा गया है क्वेश्चन में कि किसी भी डिस्टेंस x पे टेंशन कितना होगा निकालो. तो स्टैंडर्ड तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का? तो भाई स्टैंडर्ड तरीका तो ये है कि इसको ब्रेक करना पड़ेगा हमको दो सिस्टम्स में. बताते हैं, ओके यूज दिस. सो द स्टैंडर्ड वे, द नॉर्मल अप्रोच जो मैं करूंगा इसको वो ये होगा कि इस चीज को हम सिस्टम वन माने, लेट्स से मास m1 और ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं बोलता हूं
सिस्टम टू मास m2, ठीक है। इसको यहां बना लेता हूं मैं अलग से, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा ऐसा कुछ कि कुछ थ्रेड है और ये जो पूरा सिस्टम वन है जो मैंने पूरा बनाया है इसको मैं अज्यूम करूंगा लाइक अ ब्लॉक ऑफ मास m1, ठीक है। और फिर उसके बाद ये वाला जो सिस्टम है इसको एक और ब्लॉक मान लेते हैं ऑफ मास m2, और क्योंकि इस पॉइंट पे टेंशन पूछा है तो बेसिकली हमको इस इधर ये वाला जो पोर्शन है ना इस पे टेंशन निकालना है, इसको बोल लेते हैं t2 और इधर बोल देते हैं टेंशन है t, ठीक है। तो ये है हमारा सिस्टम। अब देखो कैसे इसको करना है, ब्लॉक m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ब्लॉक m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, कुछ 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 फोर्सेस लिखेंगे, उनको सब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उससे T2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी जल्दी मैं करता हूं, आप जरा फॉलो करो। लेट्स राइट इट विद बैकमैन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ फॉर M1 फ्री बॉडी डायग्राम, टेंशन ऑलवेज पुलिंग, ऊपर पुल करेगा, नीचे वाला नीचे पुल करेगा T2, और ये M1G। काफी बच्चे इन वीडियोस के बाद मुझसे पूछते हैं कि सर ये क्यों है। देखो यार पर्पस इस वीडियो का कॉन्सेप्ट समझाना है, तो आई एम अज्यूमिंग ये बेसिक चीजें सबको आती है। अगर ये बेसिक चीजें ही नहीं आती है तो प्रोबेबली यू शुड गो एंड रिवाइज दिस, क्योंकि इन वीडियोस का ऑब्जेक्टिव बेसिक चीजें पढ़ाना मेरा नहीं है, ओके। तो इसलिए मैं इन चीजों को अज्यूम कर रहा हूं कि आपको आता है और क्विकली सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो ये उनका फ्री बॉडी डायग्राम है। सिमिलरली M2 जो ब्लॉक है, M2 ब्लॉक, इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे, नीचे है M2G और ऊपर है T2, ठीक है। अब जल्दी से इक्वेशन लिख देते हैं, T1 इज इक्वल टू T2 प्लस M1G, और इधर आएगा T2 इज इक्वल टू M2G। अब एक चीज और, M1 और M2 क्या है वो भी लिख लेते हैं। M1 है टोटल मास पर यूनिट लेंथ इनटू इसका लेंथ, है ना, वो कितना है x, समझ में आया ना। M1 इज व्हाट, इस जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है जो सर्कल मारा हुआ है ग्रीन कलर का, इस पोर्शन का मास, तो वो कितना है, मास पर यूनिट लेंथ इनटू इसका लेंथ विच इज l, सॉरी विच इज x, आई एम सॉरी, जो कि x है। और ये m2 का कितना होगा मास, m2 का भी वैसे निकालेंगे, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इनटू इसका लेंथ, वो कितना है, वो है l माइनस x। तो ये रहा यार m1 की वैल्यू इधर से लाओ, m2 की वैल्यू इधर से लगाओ, और अगर हम सब्स्टिट्यूट करके अगर करें तो T2 की वैल्यू आती है M2G, तो T2 ही निकालना है हमको इस क्वेश्चन में एटलीस्ट। तो T2 इज इक्वल टू M बाय L इनटू L माइनस X इनटू G। तो आप देखते हो ये आंसर आता है विच मैचेस अवर ऑप्शन B, ये ऑप्शन मैच कर गया है ना, M बाय L इनटू G L माइनस X, ठीक है। तो बच्चों ये है क्या गाइस, दिस इज द स्टैंडर्ड मेथड। खूब सारे ब्लॉक्स फ्री बॉडी डायग्राम बनाए गए हैं, खूब सारे इक्वेशंस लिखे गए हैं, ये ना मुझको पसंद ना आ नहीं रहे, आपको पसंद आ रहा है क्या, इसको बिना कुछ इक्वेशन इक्वेशन लिखे सॉल्व करने में आप इंटरेस्टेड हो। जानना है कि बिना एक इक्वेशन लिखे भी, बिना किसी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किए भी इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यस, ठीक है। अब मुझे थोड़ी सी खुशखुशाहट आ रही है कि काफी बच्चे बोल रहे हैं सर डायमेंशन एनालिसिस से कर देंगे हम इसको, क्योंकि आपने पहले वीडियो में मैंने बताया है, चलो देखते। तो लेट मी अरेज ऑल दिस, और पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखो, पहले वाले वीडियो में मैंने बोला कि जब भी वेरिएबल्स आए तो आप क्या करोगे, पहली चीज क्या आनी चाहिए दिमाग में, डायमेंशन, क्या इसको डायमेंशन से सॉल्व हम कर सकते हैं, तो देखते हैं, राइट, ये भी क्वालिफाई करता है। तो चलो देखते हैं क्या पूछा गया भाई क्वेश्चन में, टेंशन निकालो। टेंशन क्या होता है, मतलब मुझे पता है टेंशन क्या होता है और सब लोगों को बहुत टेंशन है अभी, आई नो ऑल दैट, राइट, बट फिजिक्स में टेंशन क्या होता है, फोर्स होता है, राइट। चलो तो टेंशन
का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स वाला, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। तो भाई चलो चेक कर लेते हैं कि डायमेंशन किसका मैच कर रहा है फोर्स के डायमेंशन से। ऑलराइट, लेट्स वॉच। एम जी, ये तो ऑब्वियसली फोर्स है, हमें पता है एम इंटू जी फोर्स होता है, तो ये डायमेंशन इसके डायमेंशन से मैच करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। एम और जी के एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू ऑब्वियसली मैच करा, तो ये मेरा आंसर हो सकता है ऑफ कोर्स, बट बाकी भी चेक करने, ये भी चेक करते हैं। एम जी फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, एल माइनस एक्स लेंथ माइनस लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ होगा, और नीचे भी क्या है, लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन और लेंथ का डायमेंशन तो कैंसिल हो गया, तो इसका डायमेंशन भी एम एल टी माइनस टू है। ये तो हो गई प्रॉब्लम, अनफॉर्चुनेटली ये भी लेंथ अपॉन लेंथ कैंसिल हो जाएगा, इसका भी एम जी, तो ये डायमेंशन भी फोर्स का डायमेंशन है, और ये भी लेंथ अपॉन लेंथ एम जी, ये भी फोर्स का डायमेंशन है। प्रॉब्लम हो गई ये तो, मेरा तो ट्रिक नंबर वन फेल हो गया यहाँ पे, जो मैंने वीडियो नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन में बताया आप लोगों को, आप क्या करें। और जिसने भी ये पेपर सेट किया था, जो भी क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला है, ये बड़ा इंटेलिजेंट था, इसको पता था कि आप सब लोगों ने मेरा वीडियो नंबर वन देखा हुआ है, राइट। तो अब उसने ये क्वेश्चन सेट कर दिया जिसमें सारे के सारे डायमेंशंस इक्वल है, अब वो बोल रहा है कि लो अब करके बताओ। बट मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन सेटर कितना भी इंटेलिजेंट हो, हम उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके बावजूद ऐसा क्या मेथड है जिससे अभी भी इस क्वेश्चन को आप 15-20 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। ऑलराइट, लेट्स सी दैट। तो ये सब हम डिलीट करते हैं और अब आते हैं और एक नए मेथड के साथ। अब देखो यार, इन सब मेथड्स का ना कुछ नाम नहीं है, क्योंकि ये सब तो मैं ऐसे ही इन्वेंट करता रहता हूँ, अब इसके जो नाम मैं जो भी दिमाग में आता है मैं बोल देता हूँ, बट यू कैन कॉल इट वॉट एवर मेथड यू वॉन्ट, ठीक है। मैं उसको बोलता हूँ बाउंड्री कंडीशन मेथड, ठीक है, लिख देते हैं, आई कॉल इट बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन मेथड। अब ये मत पूछना सर इसका नाम क्यों बाउंड्री कंडीशन रखा है आपने, बस मेरी इच्छा हुई रख दिया मैं क्या। एनीवेज, एक थोड़ा लॉजिक है उसके पीछे। बाउंड्री कंडीशन में हम एक्चुअली बाउंड्री केसेस को एनालाइज और कंसिडर करते हैं। जब ये क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। चलो गाइस, अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को एक्चुअली सॉल्व करना कैसे। तो नाउ वी स्टार्ट द रियल मेथड। सिंपल सा फंडा है, जो क्वेश्चन था वो ये था, हमें इधर टेंशन निकालना था, इधर टेंशन, ठीक है। तो हम बाउंड्री कंडीशन में, ठीक है, दिमाग लगाते हैं, हम तो ध्यान से सुनना कैसे दिमाग लगाना है। देखो यार, ये क्वेश्चन ना देख के मैं चीज ये विजुलाइज करूंगा कि आप ये पूछ रहे हो कि इस पॉइंट से, टॉप मोस्ट पॉइंट से एक्स डिस्टेंस नीचे टेंशन कितनी है। बाउंड्री कंडीशन मेथड में आप हमेशा इनिशियल फाइनल पॉइंट्स या पहले बाद में ये सब चीजें एनालाइज करेंगे। तो मैं आप एक काउंटर क्वेश्चन पूछता हूं। अब ये बताओ मुझको कि सबसे ऊपर वाले पॉइंट, सबसे ऊपर इधर बिल्कुल जहां बिल्कुल लटका हुआ है, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे टेंशन कितनी होगी, सोचो। सिंपल आंसर है, ये जो पूरा का पूरा जो मास लटका हुआ है, पूरा पूरा जो थ्रेड है, ये जो भी है थ्रेड लटका हुआ है, इसका मास कितना है, कैपिटल एम। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये पूरा का पूरा जो कैपिटल एम है, ये नीचे फोर्स लगा रहा होगा एमजी, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन कितनी होगी, एमजी होगी ऑब्वियसली, क्योंकि रेस्ट पे है, रेस्ट पे है तभी रेस्ट पे होगा ना जब नेट फोर्स जीरो होगा। तो नेट फोर्स नीचे के डायरेक्शन में कितना है, कैपिटल एमजी, तो नेट फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में कितना होगा, उसके इक्वल होना पड़ेगा, तभी ये रेस्ट पे। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे इधर टेंशन कैपिटल एमजी, समझ में आया सबको, एवरीवन गॉट इट। चलो आगे बढ़ते, तो ये हो गया टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तो उसी तरह सबसे नीचे वाले पॉइंट पे, सबसे नीचे वाले पॉइंट पे टेंशन कितनी होगी, सोचो जरा, सबसे नीचे वाले पॉइंट पे कितनी होगी, हाँ सुनाई नहीं दे रहा,
जीरो, एग्जैक्टली जीरो होगी. क्यों? अरे भाई नीचे कुछ लटका ही नहीं है उसके, तो सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे तो टेंशन जीरो होगी. तो मैं दो चीजें लिखता हूं यहां पे, इधर टेंशन होगी कैपिटल एम जी और इधर सबसे नीचे टेंशन होगी जीरो. ये है बाउंड्री कंडीशन. बाउंड्री कंडीशन मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा के समझ लो कि सबसे पहले क्या हो रहा होगा, सबसे बाद में क्या हो रहा होगा. ठीक है, दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग इट बाउंड्री कंडीशन. बाकी जो नाम आपको देना है आप दे लो. ठीक है, अब आप पूछ रहे हो सर ये सब बता क्यों रहे हो आप, राइट? तो यार सही बात है, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए और प्यार से समझा रहा हूं. बट अदरवाइज अगर ये क्वेश्चन रियली पेपर में आता और मैं उसको अटेम्प्ट कर रहा होता, मैं उसको ऐसे चुटकियों में देखता कि भाई सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन है एमजी, सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन है जीरो. बॉटम मोस्ट पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी? बॉटम मोस्ट पॉइंट पे एक्स की वैल्यू होगी एल इस पॉइंट पे. तो मैं बोलूंगा कि एक्स की वैल्यू अगर एल है तो टेंशन कितनी होगी? जीरो. मानते हो? तो ये क्वेश्चन तो डेड सिंपल हो गया. एक्स की वैल्यू जीरो डालो, चेक करो टेंशन कहां जीरो है. जहां जीरो है वो आंसर है आपका. ट्राई करते हैं. पहला वाला जीरो नहीं है, नहीं होगा आंसर. दूसरा, एक्स की वैल्यू एल, एल माइनस एल जीरो, ऑप्शन बिकम्स जीरो. क्या ये आंसर हो सकता है? ऑफ कोर्स, राइट? बट रुक जाओ, बाकी भी चेक करना है. यहां पर एक्स की वैल्यू एल, एल माइनस एल जीरो, वन अपॉन जीरो, इंफिनिटी हो गया. ये तो ये नहीं हो सकता भाई. और यहां पर भी एक्स की वैल्यू एल लगाओ, एल एल कट गया, आंसर है एम जी. क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता है. क्वेश्चन खत्म, सिंपल. ये भी आपको समझाने के लिए बनाया है. अगर ये एक्चुअली आया होता तो मैं उसको बनाता भी नहीं, विजुलाइज कर लेता कि सबसे नीचे वाले पॉइंट पे टेंशन ऑब्वियसली जीरो होगा. तो एक्स सबसे नीचे वाले पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या होगी? एल. तो एक्स को एल पुट करो, चेक कर लो कहां जीरो है. जो है वो आंसर. ना कोई फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, ना इक्वेशन लिखनी, ना न्यूटन लॉ समझ में आना है. सिंपल लॉजिक, बाउंड्री कंडीशन, आंसर आपके सामने. सो बच्चों बताओ कैसा लगा ये मेथड? अच्छा लगा ना? सो दोज ऑफ यू लाइक्ड इट, प्लीज एक्सप्रेस योर लव बाय लाइकिंग द वीडियो एंड पुटिंग इट इन कमेंट्स, राइट? जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है, खूब सारे ऐसे टेक्निक्स, ट्रिक्स, टिप्स हैं जो कि इस सीरीज के थ्रू हम टीचर्स आपके सामने लाएंगे. बिकॉज एट वेदांतु हम लोग का यही मकसद है कि हम और क्या ऐसी क्वालिटी दें आपको जिससे आपको थोड़ा भी फर्क, थोड़ा भी फायदा हो, तो हमारा तो पर्पस सर्व हो गया, राइट? सो आई रियली होप यू लव्ड इट, राइट? आगे दिस इज सो लेट मी कंक्लूड दिस वीडियो बाय सेइंग थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज, मोर सच टेक्निक्स, मोर सच टिप्स. एंड दोस्त ऑफ यू जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन नहीं दबाया, जल्दी जल्दी करो क्योंकि ऐसे और भी वीडियोज हम डालेंगे. जैसे ये वीडियो आए आप ताकि नोटिफाई हो, तो उसके लिए डू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ वेदांतु. सो दैट्स ऑल फॉर दैट सेशन टुडे. दिस इज वंशी कृष्णा साइनिंग ऑफ.